Johnny, Johnny. यहाँ पे दिन का टाइम था तो सोनू बहुत थक गया था मेरा बच्चा, तो वो गोद में ही सो गया था खेलते खेलते। ये शैतान उठ गया और इनकी मुस्कुराहट तो देखे। जब हम लोग ड्रैगन सिटी पहुंच गए थे, इसी के जस्ट सामने थाई मार्ट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज सुबह से शूट करना भूल गए थे क्योंकि आज का दिन बहुत हेक्टिक था। सुबह कुछ लोग आने थे घर पे, इसलिए सुबह से हम शूट नहीं कर पाए। उसके बाद आज इनकी छुट्टी थी तो फिर हमने कुछ सामान लेना था घर का, घर का नहीं ऐसे ही ज़रूरी है कुछ, वो लेना था। तो उसके लिए यहाँ हम आज, इनकी छुट्टी थी, इनको बैंक में भी कुछ काम था तो वो काम करके फिर आज हम लोग आए हैं ड्रैगन सिटी। तो आज हम आपको ये ड्रैगन सिटी एक्सप्लोर कराते हैं। चलिए दिखाते हैं कि ड्रैगन सिटी, ये एक चाइनीज मार्केट है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हम अंदर से चलिए दिखाते हैं आपको कि ये कैसे दिखती है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिल जा सकती हैं। ये पेंटिंग का शॉप थी, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी हैंडमेड हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स थी। इसमें पता नहीं चल रही बट सामने से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ओके, बाय बाय बाय। हमें क्या, हम वीडियो बनाते हैं तो उस वजह से हमें रिंग लाइट चाहिए थी। जैसे हम मेकअप वगैरह की अपने मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमें रिंग लाइट चाहिए थी। वो हमने वहाँ मार्केट में भी पूछा बट बहुत छोटी थी और बहुत महंगी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी लाइट की शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा ही पूरे में लाइट तो दिखा नहीं पा रहे हैं हम, शायद बहुत लाइट ब्राइटनेस आ रही होगी तो उस वजह से। यहाँ पे बहुत सारी लाइट की शॉप हैं तो शायद हमको जैसी जितनी बड़ी रिंग लाइट चाहिए उतनी मिल जाए और जेन्युइन प्राइस पे मिल जाए, इसीलिए आज इधर आए हम ड्रैगन सिटी में। और साथ में आपको दिखाते भी चलते हैं कि ये कैसी है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है। नहीं अभी तो रिंग लाइट जैसा वाली तो नहीं कोई दिख रही है। यहाँ पे लाइट की शॉप तो थी बट वो जो घरों में घर बनाने में यूज होती है, वो सब सजाने में वो वाली लाइट्स थी। और रिंग लाइट्स वगैरह की जो शॉप थी वो उनका अलग सेक्शन था। और ये देखे, यहाँ पे एक घरों को सजाने के लिए बहुत ही प्यारी इस तरीके की लाइटें मिलती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। बच्चों का प्ले एरिया दिया रहता है छोटा सा बीच में, ये यहाँ के हर मॉल्स में दिया रहता है। दिखा दें आपको, बैग्स की शॉप्स है, बहुत अच्छे अच्छे बैग मिल जाते हैं। और इनको यहाँ मिल गया टॉयज। No, no shopping. Shopping इसमें होगी, इसमें ये यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट्स की शॉप थी। बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे प्लांट्स थे इसमें, और इसमें एक लटकन वाली ऊपर आप देख रहे हैं, ये वाले बहुत हमें अच्छे लग रहे थे, बट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थे यहाँ पे। और भी हमने ये प्लांट्स पूछे, बट बाहर जो बाहर के मॉल्स में मिलते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महंगे थे, तो इसलिए यहाँ से नहीं लिया हम लोग ने। 15 13 I coming. इधर इनका ये खेलने का भी है। फिर फाइनली एक शॉप हम लोग को रिंग लाइट की मिली, जहाँ पे रिंग लाइट्स के सेक्शन थे, बट वहाँ पे भी अच्छी नहीं थी। फिर फाइनली हम लोग ने देखा कि उसके अपोजिट साइड एक बहुत अच्छी शॉप थी, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम थे, और वहाँ पे रिंग लाइट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप की थी। यहाँ हमें एक लाइट पसंद आई, उस पर हम अपना मोबाइल लगाकर देख रहे थे कि लाइट वगैरह कैसी है, फेस पे कितना फोकस लेती है, और ये सब क्या कर रहे थे। ये शॉप थी रिमैक्स, इसमें बहुत अच्छे आइटम थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो ये वाला रिंग लाइट हमको पसंद आया है, इसका अच्छा पावर है और प्लस इसका वारंटी भी है। अगर ये लेते हैं तो इसका प्राइस हम आपको घर जाके बताएंगे। और इस शॉप में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनसे भी रिलेटेड। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये स्टैंड वगैरह, ये ट्राइपॉड, ये सब जो लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनसे रिलेटेड। ये देखें नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी मोबाइल एसेसरीज, और ये प्लस छोटे ये पोर्टेबल जूसर मिक्सर नहीं होते हैं, वो हैं ये चार्ज करने से चलते हैं। इस शॉप में आपको सारी मोबाइल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें उनसे रिलेटेड अच्छी चीजें मिल जाएंगी। और ये जरा आप लोगों को अपने सोनू की शॉपिंग दिखाते हैं, ये देखे वो अपनी। हाय गाइस, ओके सोनू दिखा दो, तुमने क्या क्या शॉपिंग करी है। हाँ जरा दिखाओ तुमने क्या क्या शॉपिंग करी है। हाँ, इन्होंने ये अपनी ट्रॉली में, ये देखे आप लोग, देखिए जितना इनके हाथ में सामान आ पा रहा है उतना ये अपना ये ट्रॉली लेके आई घर से, ये बेबी ट्रॉली अपनी डॉल की, उसमें इन्होंने पूरा जितना भी इनकी ट्रॉली में भर पा रहा है उतना भर ले रही है। हाँ, अब गाइस को दिखा दो। हाँ, क्या क्या लिए दिखा दो। हे गाइस कहते, हेलो गाइस। हाँ हाँ हाँ, इसका क्या करोगी ये भी तो बता दो कि करोगी क्या इसका। अच्छा, ये देखिए इनके मतलब का वो सामान हो या ना हो, बस इनको सामान चाहिए। ठीक है, होगी शॉपिंग। हाँ, रख दो वापस रख दो, इनको इससे मतलब नहीं, उसका क्या काम है क्या नहीं है, बस सामान चाहिए। उस शॉप से हम लोग ने देख ली थी रिंग लाइट, पसंद कर ली थी, बट इन्होंने कहा और शॉप चेक कर लेते हैं, मे भी उससे अच्छी लाइट मिल जाए। फिर उस समय हम लोगों ने नहीं लिया था, फिर बाद में जाकर लेकिन वहीं से हम लोग ने ले ली थी। तब तक और शॉप चेक कर रहे थे। शॉपिंग हो रही है। इन्होंने लिया लॉकर जिसका भी इनको कोई काम भी नहीं है। हाँ और क्या ले रही हो? अच्छा ये क्या लिया है? ये इन्होंने पता नहीं, ये मोबाइल कवर्स वगैरह हैं, बट मेरे मोबाइल के हिसाब से कोई कवर नहीं है यहाँ पे। बाहर में थोड़ा ये देखिए यहाँ का बैक साइड है, इधर से पीछे बाहर आपको दिखाते हैं पूरा सी एरिया। ये देखिए इनका, इनको हर जगह कुछ ना कुछ चाहिए रहता है और कुछ ना दिला तो ये हाल होता है। क्या टॉयज दिला रहे टॉयज, कम कम कम। ये ड्रैगन सिटी का बैक साइड है, बैक ये बैक साइड का है, सिटी का बैक साइड एरिया है। ये है इसके बैक साइड में। शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग एक बार शाम को ईद के टाइम आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग बैठ के यहीं पे अपना सामान लाते हैं, अपना नमाज वगैरह पढ़ के इधर ही इफ्तियार करते हैं। वो इस समय बहुत तेज धूप है। अभी वापस जा रहे हैं जल्दी, ज्यादा वीडियो नहीं बना सकते बाहर। क्या चाहिए क्या चाहिए? वो कर नहीं, दिस इज नॉट कर, दिस इज बच्चे के साथ शॉपिंग करना और उसको लेके ना देना कुछ, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन होती है। बच्चे क्या नौटंकी करते हैं, फिर आप दिखाते हैं। जबकि इनका घर से लेके आए थे हम लोग कि यहाँ पर, ये भी इसने यहीं से ही लिया था। फिर इसको कुछ ना कुछ चाहिए घर से, वो कितना भी लाया लेकिन इसको फिर से कुछ ना कुछ नया चाहिए ही रहता है हर जगह। जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, कहाँ कार नॉट गुड कार है। ये लेडीज सेक्शन था, यहाँ पे गर्ल्स और वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, बट इस तरीके की ड्रेस हमने देखी। फिर हमने सोचा आप लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे तो इस तरीके की ड्रेसेस शायद ही कोई पहनता होगा। ये एक सैंडल की शॉप दिखी हमें, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी सैंडल्स थी। ये हम देख रहे हैं, आप देखे, बट इनका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई था और अभी नीड भी नहीं था। और हम ट्राई करके हमने देखा, बट इस उस समय कोई भी मेरे साइज़ के अवेलेबल थी ही नहीं। देखिए हम हर कलर की ट्राई करके देख रहे हैं, बट साइज़ हमें छोटा आ रहा था। के पास बच्चों के भी गर्ल्स में बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। बट अभी सोनू के पास बहुत सारी इस तरीके की शूज़ हैं, तो इस समय नीड नहीं था, इस वजह से हमने नहीं लिया। और प्लस इनके पास फ्लैट्स में भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे, बट फ्लैट वगैरह हम नहीं पहनते, ये बहुत ही ज़्यादा। फिर ये होम डेकोरेशन वाले आइटम थे इस शॉप में, आप देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे थे। पहले बार भी जब हम गए थे तब से लेके अभी तक ये आइटम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पे रखने की जगह नहीं है, तो फिर अभी ले नहीं सकते और इंडिया लेके इतना हैवी आइटम जा नहीं सकते। और इनका प्राइस भी, प्लस जितने खूबसूरत लगते हैं ये सब, उतने ज़्यादा रेंज में इनके प्राइस भी रहते हैं। और ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस रहती हैं, ये देखिए। ये यहाँ का, ये जो लोग पहनती हैं ये लोग। फिर ये एक शॉप दिखी, ये इसमें इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, डिजाइनर ड्रेसेस थी। ये सामने वाली येलो कलर की ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी, बट इसका प्राइस पूछा तो ये अकेली 25 BD यानी कि इंडिया के हिसाब से 5000 की ड्रेसेस थी ये। तो यहाँ पे हमने सोचा और भी देख लें, लेना तो था नहीं बट हमने कहा कि देख तो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी यहाँ पे, ये देखिए ये सब डिज़ाइनर ड्रेसेस थी बट प्राइस इनके बहुत ही ज़्यादा हाई थे। अगर आप बाहर से भी ऐसी ड्रेसें लेते हैं मॉल वगैरह से तो वहाँ पे नहीं मिलती है, वहाँ पे इतनी महंगी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जितने बाहर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हाई रेट रहते हैं। छोटा सा ड्रेसिंग टेबल बच्चों का कितना क्यूट लग रहा है। बच्चों की शॉप्स है, उनकी फ्रॉक्स वगैरह। अभी इतना सामान है और इतना इंडिया से लेके आए थे, इतना घर भरा पड़ा है कि अभी मेरे सामानों की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। अभी हमने सोचा कि पहले जब जो घर पे है वो खाली होगा, ख़त्म होगा, उनको डिस्कार्ड करेंगे, उसके बाद ही कोई नई शॉपिंग करेंगे। तो अभी बस जो ज़रूरी है वही लेते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। ये एक बहुत ही अच्छी बच्चों की टॉयज़ की शॉप थी, बहुत ही प्यारी। यहाँ पे आप देखिए कितने डिफरेंट तरीके के टॉयज़ थे, ये पूरा उनका सेटअप जो रहता है उस तरीके का थे। बट घर में ऐसा एक है सोनू के पास, इसलिए लिया नहीं हम लोगों ने। और ये बहुत ही बड़ा भी है, और अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो इतनी बड़ी चीज़ें लेना कुछ ज़्यादा सही नहीं रहता है, इस वजह से नहीं लिया। ये सोनू का क्या है, इसका बस 2 दिन में कोई भी नया टॉयज से मन भर जाता है, उसके बाद उसे नेक्स्ट डे दूसरे तरीके का टॉयज चाहिए रहता है, और इस वजह से घर पूरा हमारा टॉयज से ही भरा पड़ा है। कभी आपको अपना होम टूर कराएंगे तो दिखाएंगे। तो थे तो बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे बट लिया नहीं हम लोगों ने। ये देखे मेरा बच्चा सब ट्राई करके देख रहा है, खेल रहा है। हो गया ओके। इनको रैबिट मिल गए, कितने क्यूट लग रहे हैं रैबिट। हाँ रैबिट स्लीपिंग बाबू विच साइड आ जाओ। ये देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या था, ये शो पीस के लिए था कि ये रियल का था। सोनी कम 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 कम, देखिए पूरी शॉप उसी की है। हाँ अभी दिलाओ जाऊंगा हमने बच्चे। नो आ जाओ। फिर एट द लास्ट जो रीमेक्स में हम लोग को लाइट पसंद आई थी वही चेक करके ले ली अच्छे से। उसमें रिंग लाइट में 2-3 कलर चेंज होते हैं, तो हम यहाँ पे सभी कलर्स में अपना फेस देख के कि हाँ फोकस कर रहा है कि नहीं कैमरा, फिर उसके बाद वही लाइट ले ली। गाइस आपको दिखाया हमने कि ये ड्रैगन सिटी कैसी है। अब वो पूरा हम लोग घूम चुके हैं। अब घूमते घूमते इतने बड़े मॉल में हम लोग को लग गई भूख, तो अब थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सोनू और ये गए हैं लेने कुछ खाने के लिए। तुमने क्या लिया है? कुछ नहीं लिया क्या तुम्हारे लिए आज? पापा ने कुछ नहीं दिलाया? नहीं दिलाया? अच्छा नहीं दिलाया। अरे तो जाओ तो आप कुछ खाएगा चाहिए क्या खाएगा Okay, picture. Okay. Give me picture. This one? No, no, picture me, no. Give me. Give me picture. अब ये हम लोग निकल गए यहाँ से, ड्रैगन सिटी से। ये देखिए ड्रैगन सिटी के सामने ही बिल्कुल जस्ट इधर की साइड, अपोजिट साइड के अपोजिट साइड ही ये थाई मार्ट पड़ता है। यहाँ पे अंदर ज्यादा शॉप्स वगैरह नहीं है सामान की, बस हाँ खाने पीने का ये अभी नया बन रहा है इसलिए यहाँ पे अभी ज्यादा शॉप्स स्टार्ट नहीं हुई। आज यहाँ अंदर नहीं गए कि इतना कुछ यहाँ है नहीं अंदर। अभी शाम हो गई यहाँ, ऑलमोस्ट रात ही होने वाली। इस साइड इस तरीके के घर बने हैं और वो उधर है सामने कैनेडियन स्कूल ऑफ बहरीन। बस इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट घर चले गए थे क्योंकि रात बहुत हो गई थी और फिर और मॉर्निंग में इनको ड्यूटी जाना था। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।